दिस इज माई सूट आज का। रोज नहीं जाना चाहती भैया, मेरे को रेड रोज चाहिए। यहाँ घर में मेरे आते ही डिनर बन रहे हैं, सो मेरी उफ। हाय, ये है डे टू और शायद मेरी डे वन डे टू की दोनों कल रात की और आज की मेरी पूरी वीडियो डिटैच होके आई। तो हैप्पी रोज डे टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड। और अभी मैं रेडी हुई हूँ। मैं ऑलरेडी यहाँ बेड पे ना मेरे हमेशा कपड़े रहते हैं। मैं ऑलरेडी आज मैंने रोज प्रिंटेड फ्लावर प्रिंटेड का एक सूट पहना है। सो आप बने रहो कि आज मैं जा रही हूँ कहाँ, किससे रोज लेने और क्यों, बने रहो। सो आज मैंने पहना है सूट जहाँ मैं जा रही हूँ। बहुत ही बुरी लाइट है और साथ में पहनूंगी मैं पंजाबी जुत्ती, लेकिन मुझे इस सूट के ऊपर स्वेटर पहनना पड़ेगा और सूट के साथ मेरा कोई स्वेटर नहीं था, तो जो मैं जीन्स के साथ पहनती थी मैं उसको ही पहनूंगी क्योंकि वो भी पिंक कलर का है। आज मैंने इतना फ्लोरल सूट इसीलिए पहने क्योंकि आज रोज डे है और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ सूट पहन के ही जाना है। मुझे जाते हैं मोस्टली वहाँ पर सूट पहन के ही जाना चाहिए। मेरी व्हील नहीं करने वाली, या आपको कल पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा तब मैं जाके रिवील करूंगी। सो ये वाला स्वेटर मैं पहन लूंगी जो मैं कल ट्राई कर रही थी पहनने का। लेट मी चेक। साथ में मैं पहनूंगी पंजाबी जुत्ती। मैंने उल्टा तो नहीं पहन लिया, ये बट्टी इसको कहीं से भी पहन सकते हैं। मिरर में इसे दिखा, दिस इज माय सूट आज का जो मैंने पहना है। इसके ऊपर मैंने पिंक ये भी पहन लिया ताकि मुझे ठंडा लगे। सो आप मुझे कमेंट करना कि कैसा लग रहा है ये। ये सूट मैंने पहले भी पहना है जब मेरा हेयर कट नहीं हुआ था, उसके भी ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। सो चलो मैं निकलती हूँ फिर जहां मुझे जाना है रोज लेने। सो मैं रोज डे पे जहां पे आना था मुझे मैं वहां पहुंच गई हूँ। सो सरप्राइज, आप लोग बने रहो इसी तरह कि मैं कहां आई हूँ। और जयपुर से 2 घंटे लगते हैं और मैं वहाँ से बस चढ़ के अकेले आई हूँ क्योंकि मुझे आज आना था। और यस, अभी मैं साथ हूँ। चलिए जाना चाहती भैया, मेरे को रेड रोज चाहिए, आप दिला दो प्लीज़, यहीं कहीं से भी मिले। नहीं नहीं, अच्छा वाला कांटे निकाल दो भैया, अच्छा वाला देना, फ्रेश फ्रेश फ्रेश, अच्छा एकदम बढ़िया दे रहा हूँ। कितने का है ये वाला? देख लो ये वाला देख लो, थोड़ा सा छोल दीजिए। कितने कह रहे हैं? एक ये थोड़ा छोटा कर दो प्लीज। हाँ नहीं प्रसाद नहीं, वो भी कर देते हैं क्या? कितने का इधर? 20 रुपए का है, 50 रुपए का है। अच्छा अच्छा वाला कलर वो ले रहा। अच्छा वाला तो फिर 3 होता है, 2 मंदिर में छोड़ा जाता है, एक घर पे ले जाया जाता है। नहीं मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। मंदिर में जा रहे हो ना आप, तो बाबा के पास 3 बांटते हैं तो इसलिए 3 इत्र होते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। वो आपकी मर्जी है। कितने का? आपके पास पेटीएम हो जाएगा? हो जाएगा। ये मैं पर्स में क्यों डाल लिया? ये रहा मेरा रेड रोज और मैं जा रही हूँ अभी एक होटल है लखदतार, क्योंकि आज मैं बहुत पास से ये रोज उनको दूंगी और ये मैं आपको जल्दी डिस्क्लोज करूंगी। कहाँ वाला? ये वाला। थैंक यू भैया। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू ज्यादा। ये और क्या, बाबा जो
आपको भेजा मेरे पास। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बाबा पीछा बेटा भूको ना कोई सही है, आप आइए हमें बाबा ने भेज दो मेरे पास। ये हम आई अम्मा जी जिन्होंने मुझे इतने प्यार से लगाया। जय श्री श्याम बोल दो अम्मा जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने रोज़ भी ले लिया, आज स्पेशल डे की, आज रोज़ डे भी है और सब कुछ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेरे को रिटर्न में भी रोज़ मिलेगा, आई एम डैम श्योर। लास्ट टाइम मुझे आइडिया नहीं था, बट इस बार मुझे आइडिया है। और मैं आपको लास्ट में रिवील कर दूँगी कि मैं कहाँ आई हूँ। मैं बहुत ही अच्छी जगह आई हूँ और एक स्पेशल डे, मतलब यस, ऐसे डे पे मैं रोज़ डे वाले दिन यहाँ पे हूँ। सो या फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग एक्साइटेड। और मैं बहुत पास से VIP दर्शन करने वाली हूँ। सो और या मैंने फिर से बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। बड़े कहने तो मैं उठा लूंगी भैया। थैंक यू। अब मैं खाने वाली हूँ ये। मैं फटाफट खा लेती हूँ और खा के निकलती हूँ क्योंकि 8 o'clock तक लास्ट बस है और मुझे फटाफट खा के निकलना होगा। सो मैं आज गई थी खाटू श्याम और मैं घर आ गई हूँ और मुझे ये मिला आज रोज़, और मैंने बाबा जी को रोज़ भी दिया और बाबा जी ने मुझे भी रोज़ दिया। सो आई एम हैप्पी। यहाँ घर में मेरे आते ही डिनर बन रहे हैं। सो मेरी उफ, और क्या चाहिए लाइफ में। आप मतलब आयो माथा टेक के घर में डिनर ले लिए। सो कल मैंने राजमा चावल बनाए थे, आज बनाए हैं पकी तीन है। सो मैं चेंज करती हूँ और हैप्पी रोज डे, मेरा तो रोज डे हैप्पी हो चुका है। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। आज खाने वाले हम हेल्दी फूड। परांठे बनाया तूने? परांठे नहीं, रोटी को घी लगा के बस फ्राई कर दिया इसने गोल रोटियों को। वो तो देख लिया, वो तो पूरा देख लिया। अब क्या कुछ नया देखते हैं? वैसी कोई सीरीज आ रही होंगी, क्या लगाऊं? नेटफ्लिक्स हॉटस्टार देख, उसमें नेटफ्लिक्स पे तो अभी कुछ भी नहीं है। हॉटस्टार कुछ नया सीरीज नहीं आया उस पे नेटफ्लिक्स पे? अबे यार सीरियल नहीं देखना। ये रिश्ता क्या कहला चटनी? नहीं मैं नहीं खाती चटनी। अब तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो हाँ? वेरी यम्मी। रात के 2:30 सो रहे हैं हम, डिनर कर चुके हैं और मेरी फ्रेंड सोने भी चली गई है और मैं एडिटिंग कर रही थी तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो आई थॉट कि मैं एक चाय बना के पी लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह से गई हुई थी खाटू श्याम, जो आपको ब्लॉग कल देखने को मिलेगा ये भी मैं साथ में डाल दूँगी। मैंने पहले सोचा था कि मैं मेरे पास 2 ब्लॉग्स पड़े, मैं दोनों डाल दूँ, बट फिर मैंने सोचा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं जो आज वाला यही डाल देती हूँ ताकि कल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मेरा रोज डे वाला। यस ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ डे। मैं आज इसी ले गई थी खाटू श्याम क्योंकि मुझे उनको रोज़ देना था। एंड यस मैंने वैसे भी मैं न्यू ईयर के बाद 2 तारीख को मैं जनवरी में गई थी और सेकेंड टाइम अब जा रही हूँ। पिछले साल मैंने बहुत ट्राई किया था और वहाँ की है ऐसी कि वाइब्स हैं कि जिनको बुलाते हैं तभी आते हैं। सो अब मेरा तो हमेशा का हो गया है। मेरे को अदरक सी डर गई मेरे को।
सो यस और रिटर्न में मैंने वहाँ पे पहले जो मुझे नहीं पहली बार मैं गई थी तब मुझे नहीं पता, फिर मुझे बाद में पता लगा था कि अगर वहाँ पे आपको वैसे कोई फ्लावर मिलता है तो उसका मतलब होता है कि वो खाटू श्याम जी भगवान ने आपको अप्रूवल कर लिया है। सो इस बार मुझे बहुत क्लोज से उनके दर्शन हुए और मैंने खुद पंडित जी को बोला कि प्लीज़ उनको फ्लावर और जो मैंने इतर चढ़ाया था कि दे दो क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है, सो प्लीज़ उनके पास रख दो ये सब। तो उन्होंने रख दिया, सो आई एम वेरी हैप्पी। और रिटर्न में मैं जैसे निकल रही थी तो उनके मंदिर पे एक गुलाब पड़ा था, वो मैंने ले लिया। सो मेरा रोज डे तो कंप्लीट हो गया, आपका कैसे हुआ और आपका रोज डे कैसे गया प्लीज़ मुझे टैग कमेंट ज़रूर करना। आई एंजॉय वीडियो पता है, मैंने देखे इंसानों के लिए ह्यूमंस के लिए चाय ना पेट्रोल का काम कर। ओह क्या था पीछे, क्या था क्या था, मैं डर गई अपनी पीछे वो देख के ब्लैंकेट। ह्यूमंस के लिए ना चाय पेट्रोल का काम करती है समटाइम, या सर दर्द तो चाय, एनर्जी नहीं है तो चाय, टायर्ड हो तो चाय। चलो मैं अब जाती हूँ एडिटिंग करती हूँ और आपको कल मिलती हूँ 12 बजे। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।